the murder investigation of Sidhu Moosewala. This latest video that has come to the fore clearly shows all the killers of Sidhu Moosewala, especially Ankit Sirsa sitting right in the middle, not more than 18 and a half years old. You can see him holding weapons in both his hands. What we are given to understand, all of them, the killers of Sidhu Moosewala, brandishing weapons. This was right before they went in for the kill, viewers. Ankit Sirsa, the main shooter, or rather the one who was closest to the car in which Sidhu Moosewala was traveling, was also the only one who held pistols in both his hands, weapons in both his hands, and fired indiscriminately at Sidhu Moosewala. Viewers, 100 entrance and exit wounds were found on the body of Sidhu Moosewala. Ankit Sirsa, the latest to be arrested, sitting right in the middle there, holding pistols in both his hands. I want to immediately cut across to my colleague Arvind Ojha as we play this video full screen right now. Exclusive video that my colleague Arvind Ojha has been able to get. Arvind, bone chilling. Is this the video right before the killing? You can actually see Ankit Sirsa, who was arrested today, sitting in the middle, holding pistols in both hands, even at the time of killing. He was the only one of the killers who had pistols and was shooting indiscriminately from both hands. जी बिल्कुल, देखिए प्रीति, ये जो वीडियो है ये इंडिया टुडे के पास एक्सक्लूसिव वीडियो है और ये ठीक उस वक्त का है जब ये सिद्धू मूसेवाले की हत्या करने के बाद शूटर भाग रहे थे और इनके पीछे पंजाब पुलिस लगी हुई थी। अगर आप देखेंगी तो इस वीडियो में जो शूटर्स है वो बाकायदा गाना बज रहा है और ये वेपन्स दिखा रहे हैं। जो सोर्सेज है इंडिया टुडे ने इंडिया टुडे को बताया है ये जो वेपन्स है सभी विदेशी फॉरेन मेड है और विदेशों से आए थे और खास तौर पर सिद्धू मूसेवाले की हत्या करने के लिए। ये जो शूटर्स दिखाई दे रहे हैं इसमें से जो चार शूटर है उनको दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने अरेस्ट भी कर लिया है। एक शूटर जो है दीपक मुंडी वो अभी अरेस्ट नहीं हो पाया है, लेकिन ये अपने आप में काफी शॉकिंग वीडियो है कि देखिए किस तरह से ये जो शूटर है इनका माइंडसेट देखिए। सिद्धू मूसेवाला की ये मर्डर करते हैं और उसके बाद मैटर इतना हाईलाइट होता है, वो मर्डर इतना हाईलाइट होता है, पांच राज्यों की पुलिस इनको तलाश रही होती है, लेकिन तस्वीरें अगर आप देखेंगी तो किसी के चेहरे पर ऐसा लगता नहीं है कि जो पुलिस है वो इनको तलाश रही थी। और आपको बताऊं कि इनको पांच राज्यों की पुलिस तलाश रही थी। ये वीडियो इन्होंने जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, इंडिया टुडे को जो सोर्सेज ने बताया है, ये वीडियो इन्होंने बकायदा सिग्नल ऐप के जरिए जो मास्टरमाइंड है कनाडा में बैठा हुआ गोल्डी बरार उसको भी भेजा था। तो आप अंदाजा लगाइए, नंबर एक। नंबर दो आपको बताऊं कि जो पिस्टल ये दिखा रहे हैं जैसा कि हमें सोर्सेज ने बताया है ये सभी आउटसोर्स करके लाए गए थे इंडिया के बाहर से, खास तौर पे सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने के लिए। इसमें जो शूटर दिखाई दे रहे होंगे प्रीति, उसमें अंकित है, सचिन है, प्रियव्रत फौजी है और कपिल है। ये चार शूटर हैं जिनको दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम ने अरेस्ट किया है, वो भी काफी मशक्कत के बाद, जबकि एक शूटर है जिसका नाम दीपक मुंडी है उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए, ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या करके ये भाग रहे थे। डर नाम की चीज नहीं है, अगर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने इनको अरेस्ट नहीं किया होता तो ये आने वाले दिनों में क्या करते इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। लेकिन शुक्र इस बात का है कि ये सभी अरेस्ट हो चुके हैं, एक जो शूटर है वो अभी भी फरार चल रहा है। लेकिन ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ था और पूरा मामला हाइप हुआ था। दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, पंजाब पुलिस, राजस्थान पुलिस, ये सभी पुलिस की टीमें वो तलाश रही थी और ये इस तरीके से गाड़ी में वेपन्स लहरा रहे थे। प्रीति, अरविंद, हम ये वीडियो जो एक्सक्लूसिव वीडियो है फुल फ्रेम चला रहे हैं। अरविंद, जरा फिर से बताइए, ये जो वीडियो है ये शूटिंग के बाद ये वीडियो लिया गया है? क्लियरली ये बात तो तय है कि जो शूटर्स हैं उनमें से एक ने ही ये वीडियो लिया है। बीच में अंकित सिरसा बैठा हुआ है। अंकित सिरसा सिर्फ 18 एंड हाफ ईयर्स एज का है। अरविंद, और क्या ये वही एक ही शूटर था जिसने दोनों हाथों से पिस्टल से शूट किया था?
जी बिल्कुल, देखिए इसमें अंकित सिरसा दिखाई दे रहा है जिसने दोनों हाथों से गोलियां चलाई थी सिद्धू मूसावाला पर, और सभी यंग हैं। अगर आप देखिए प्रीति, तो इसमें से ज्यादा शूटर जो है वो 18 से 25 साल के हैं, जिसमें प्रियव्रत फौजी जो है उसी पर पहले से उसका क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, लेकिन 18 से 25 साल के ये शूटर हैं। और बाकायदा गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इनको, लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर सिद्धू मूसावाला का मर्डर हुआ था, इसका खुलासा इंडिया टुडे ने पहले ही कर दिया था, लेकिन गोल्डी बरार ने इन सभी को कहीं ना कहीं मोटिवेट किया था, एग्जीक्यूट कर रहा था, और उसके बाद कई बार रेकी करके इन्होंने सिद्धू मूसेवाले को गोली मारी थी, जिसमें अंकित सिरसा भी दिखाई दे रहा है प्रीति, जिसने दोनों हाथों से गोलियां बरसाई थी सिद्धू मूसेवाले पर। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं, और ये सभी शूटर पंजाब से कनेक्टेड है या फिर हरियाणा से कनेक्टेड है, और इन्होंने गोल्डी बरार के इशारे पर जिस तरीके से पंजाब में सिद्धू मूसेवाले को मारा, उसके बाद न सिर्फ स्टेट पुलिस बल्कि सेंट्रल एजेंसी भी हैरान रह गई कि किस किस तरीके वेपन्स है। हमें जो सोर्स बता रहे हैं कि इस वीडियो में जो कुछ वेपन्स दिखाई दे रहे हैं, उन वेपन्स का इस्तेमाल सिद्धू मूसेवाला का मर्डर करने के लिए भी किया गया था। अरविंद, आप कह रहे हैं कि जो वेपन्स इन्होंने हाथ में ले रखे हैं, क्लियरली अगर हम देखें भी, ये कोई लोकल वेपन नहीं है, कंट्री मेड पिस्टल नहीं है, बहुत सोफिस्टिकेट वेपन्स लग रहे हैं, बहुत कॉम्पैक्ट वेपन्स लग रहे हैं। और अगर हम देखें भी अरविंद, क्योंकि जब सिद्धू मूसेवाले की ऑटोप्सी हुई थी, कम से कम 100 एंट्री और एग्जिट वूंड थे उनकी बॉडी पे, जहां से गोलियां अंदर आई और निकली थी। जी बिल्कुल, देखिए जो एंट्री एग्जिट वाउंड थे वो काफी ज्यादा थे, और तकरीबन जो हमें सोर्सेज ने बताया था कि 50 से ज्यादा राउंड की गोलियां तो चली थी, और कई गोलियां जो शरीर है सिद्धू मूसेवाले के उसके आर पार हो गई थी। अभी तक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो पंजाब पुलिस है, अनफॉर्चुनेट है कि वो भी नहीं लगा पाई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जरूर मल्टीपल गनशॉट इंजरी जरूर थी सिद्धू मूसेवाला के बॉडी में, लेकिन जो वेपन्स थे उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे थे। वेपन्स सभी ऑटोमेटिक थे, AK-47 राइफल का भी इस्तेमाल किया गया था, और तो और प्रीति, सिद्धू मूसेवाला को लॉरेंस बिश्नोई गैंग हर हाल में मारना चाहता था, शायद इस वजह से जो लॉन्चर है, ग्रेनेड लॉन्चर, वो भी बकायदा इंडिया के बाहर से आउटसोर्स करके मंगवाया गया था, वो भी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने रिकवर किया था। तो आप अंदाजा लगाइए, ग्रेनेड लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर, इस तरह की चीजें, और आज भी जब शूटर को अरेस्ट किया स्पेशल सेल ने, तो उनके पास से पुलिस की वर्दी वो बरामद हुई है। आपको बताऊं, इंडिया टुडे ने पहले इस बात का खुलासा किया था सोर्सेज के हवाले से कि एक वक्त ऐसा भी आया कि सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, शूटर पास नहीं पहुंच पा रहे थे, उसके बाद शूटर्स ने ये तय किया था कि वो पुलिस की वर्दी में सिद्धू मूसेवाले के घर के अंदर दाखिल होंगे और सिद्धू मूसेवाले पर गोली चलाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जब सिक्योरिटी हटाई गई, 29 मई वो तारीख थी जब शूटर्स को मौका मिला, और उसके बाद घात लगा के मर्डर किया गया। मर्डर का इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, लेकिन प्रीति, ये जो वीडियोज है ये काफी ज्यादा शॉकिंग, हम फिर से कह रहे हैं कि किस तरीके से 18 से 25 साल के शूटर है, डर नाम की चीज नहीं है, और जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम भी दिया था वो भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा, लेकिन डर नाम की चीज नहीं है। इनको पता था कि इनके पीछे पांच राज्यों की पुलिस है, ये भी कहीं ना कहीं इल्म था कि एनकाउंटर भी हो सकता है, लेकिन आप देखिए तो वीडियो लहराते हुए ये सभी शूटर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनमें सभी गिरफ्तार हो चुके हैं, एक शूटर अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है।